हेलो दोस्तों, सुपौल रॉक्स जेड में आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि आनंद विहार से सहरसा के बीच गरीब रथ स्पेशल एक्सप्रेस जो चल रही थी उसका परिचालन शुरू हो गया है। किसी कारण से ट्रेन को रद्द कर दिया गया था, तो इसलिए 18 अक्टूबर से इसका परिचालन कर दिया गया है। और ये जो है सिग्नली का काम चल रहा था डोमिटगढ़ और आजम बेला के पास, जो कि ऑटोमेटिक सिग्नली का काम चल रहा था, तो उसका काम पूरा कर लिया गया है। और करने के बाद इस गाड़ी को चालू कर दिया गया है सहरसा आनंद विहार के बीच, जो कि आनंद विहार से 18 तारीख को चली थी और दूसरे दिन सहरसा शाम के 9 बजे सहरसा पहुंचाई थी। तो गैस और पब्लिक लोग का डिमांड है, दिवाली और छठ पूजा के त्यौहार पर काफ़ी भीड़ चल रहे हैं और वेटिंग में टिकट चल रही है, तो इसी कारण और बहुत भीड़ चल रहा है। और इस ट्रेन का अभी बहुत मांग है और काफ़ी भीड़ चल रहा है। और इस ट्रेन का लास्ट टाइम जो है 30 दिसंबर तक आना जाना इसका बंद हो जाएगा। 30 दिसंबर तक इसका टाइम है और काफ़ी लोग का डिमांड है, ट्विटर पर ट्वीट किए हैं कि इस ट्रेन को हमेशा के लिए कर दिया जाए, ताकि इस ट्रेन का इस रूट पे नई रूट पे काफ़ी डिमांड है। और इस नई रूट पे पहली ट्रेन है जो कि आनंद विहार से सहरसा के बीच चल रही है, और गैस काफ़ी डिमांड किया जा रहा है कि इस रूट पर इस ट्रेन को चला हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाए, ताकि पब्लिक लोग को दिल्ली से सहरसा के बीच और नई रूट पर आने जाने में सुविधा हो। तो गैस क्या आप भी ट्विटर पर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये ट्रेन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो गैस मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला जोन स्टार।